हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो सब लोग? तो यार आज की इस वीडियो में मतलब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो लिटरली आप लोगों ने मे भी पहले इस माइनक्राफ्ट गेम के अंदर नहीं देखी होंगी। और अगर आप लोगों ने ये चीज देखी होंगी तो लिटरली गाइस यू आर वेरी वेरी प्रो एंड यू आर लेजेंड्स एंड मे भी आप लोगों ने ना भी देखी हो तो यार बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो एंड तक देखना। और इस वीडियो में मतलब हम एक गेमिंग रूम भी बनाएंगे और यहाँ पे हमारी थीम रहेगी हॉलोवेन। एंड गाइस बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक क्रिसमस ट्री भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए। तो चलो यार फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल सो गाइस मैं यहाँ पे कैसल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं गेमिंग रूम एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक पूल टेबल है एंड यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा वॉशरूम है, बाथरूम। एंड यहाँ पे मैं साइड में कॉर्नर में उसको लगा देता हूँ एंड क्योंकि कॉर्नर में ये चीजें अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरे डॉग के लिए एक नया घर भी है जो कि मतलब बहुत ही मजेदार है एंड वो भी अब से बहुत मजे में रहेगा इसके अंदर। एंड ये मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट चीज है। तो भाई इसको तो बिल्कुल सेंटर में हम लोग लगाने वाले हैं पियानो, एंड दो पियानो में यहाँ पे लगाऊंगा और एक और लगा देते हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे अब थोड़ा देखने में बहुत मस्त लग रहा है। और इस कॉर्नर में जो है ना गाइस हम लोग बनाएंगे मतलब थोड़ा सा मतलब हमारा गेमिंग रूम जो होगा। बट उससे पहले एक बार यहाँ पे इस साइड कहीं पे मैं अपने पूल को लगा देता हूँ कि मतलब जो भी यहाँ पे आए तो मतलब खेलेगा, मतलब बहुत मतलब मजेदार गेम होता है ये भी। बट यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे से गलती से लग चुके हैं तो एक सेकंड मेरे को ये तोड़ने पड़ेंगे यहाँ से पहले तो। एंड ओके तो फटाफट मैं इसको तोड़ देता हूँ एंड अब की बार हम लोग इसको पूरा अच्छे से लगाने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे से एक और ब्लॉक टूट गया। ओके तो अब की बार यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसको अच्छे से। और यहाँ पे गाइस हमारा पूरा पूरा मतलब जो मतलब बाहर की तो चीजें थी वो बनके तैयार हो चुकी है। ओके तो अभी बारी आती है मतलब इस साइड कॉर्नर में। ओके इस कॉर्नर में हम लोग पूरा हमारा गेमिंग रूम बनाएंगे जहाँ पे लिटरली मतलब लैपटॉप भी होंगे, पीसी भी होगा, हेडफोन, कीबोर्ड, सीपीयू वगैरह सब कुछ होने वाला है एंड सोफा वगैरह सब कुछ होने वाला है तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से कॉटेज के जो ब्लॉक्स है वो ले लेता हूँ क्योंकि दीवार वगैरह या फिर फ्लोर वगैरह में उसके रिक्वायरमेंट ग्लोस्टोन्स फॉर सम लाइट। ओके तो क्योंकि ग्लोस्टोन सबसे बेस्ट रहेगा एंड लालटेन्स भी ले लेता हूँ तो ताकि मैं थोड़ी सी यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा ऊपर से लाइट डाल सकूँ थोड़ी सी। ओके तो यहाँ पे मतलब टॉर्च से तो ज़्यादा बैटरी है क्योंकि टॉर्च तो ऑलरेडी लगी हुई है बट लालटेन्स की इतनी जो है ज़्यादा लाइट नहीं है तो इसलिए मैंने ग्लोस्टोन्स भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फटाफट पहले मैं तीन लालटेन्स लगा देता हूँ। ओके तो अभी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अभी बारी आती है ग्लोस्टोन्स की तो यहाँ पे फटाफट मैं इनको तोड़ देता हूँ। एंड जो हमारे जो कॉर्नर है ना मतलब कॉर्नर से थोड़ा डिजाइन भी थोड़ा अच्छा लगेगा है ना तो यहाँ पे मैं ग्लोस्टोन लगा देता हूँ क्योंकि मतलब कहीं पे भी ऐसे मतलब बीच में नहीं लगा सकते ना हम लोग ग्लोस्टोन्स वगैरह, देखने में थोड़ा वियर्ड लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं कॉर्नर्स के ऊपर ताकि मतलब थोड़ा देखने में भी बहुत मस्त सा लगे। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्लोर का काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे और बस फिर हमारा हो जाएगा और फिर हमारी बस कंप्यूटर की टेबल्स वगैरह सेट करनी रह जाएंगी एंड यहाँ पे हमारे कैसल के अंदर पूरा गेमिंग रूम बन जाएगा। ओके तो यहाँ पे इतना हो चुका है ना, अब हम यहाँ पे फटाफट से हमारा जो फ्लोर है ना गाइस उसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरा जो फ्लोर है वो मैंने बना के तैयार कर दिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है अब। एंड अब बारी आती है पूरी की पूरी प्रॉपर हमारे गेमिंग रूम के ऊपर, पूरा हमारा जो गेमिंग रूम रहने वाला है एक क्रिसमस ट्री यहाँ पे भी रखते हैं। एंड वो गाइस मेरे गेमिंग रूम के लिए मतलब सबसे अलग क्रिसमस ट्री आया हुआ है, आप लोग देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का, बाकी सब के सब मेरे पास ग्रीन थे। एंड यहाँ पे थोड़े मिरर्स हैं तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ इस साइड। एंड ओके तो अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे गेमिंग टेबल निकाल लेता हूँ, लैपटॉप एंड पीसी सीपीयू वगैरह जो भी हैं वो सब के सब चीज़ें मैं यहाँ पे अभी फटाफट से निकाल लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे बाय द वे आप लोग देख सकते हो कि मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मतलब आई मे बी मैं इस वीडियो में ना यूज़ कर पाऊँ बट वो नेक्स्ट वाली वीडियोज में पक्का होने वाली है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके तो यहाँ पे मैंने सोफा ले लिया, एलसीडी ले ली और क्या ले हम लोग गाइस, यहाँ पे इधर कीबोर्ड भी है देखो कलर्ड कीबोर्ड है और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ओके तो यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप भी मैं ले लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एक लैपटॉप है तो लैपटॉप ले लेता हूँ इधर से। ओके तो लैपटॉप के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीवी भी है, टीवी भी मैं ले लेता हूँ, इसको दीवार पे लगाएंगे बहुत बड़ा मजेदार लगेगा। तो यहाँ पे बड़ी टेबल है इसको बाद में लेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे आप लोग देखो यार कलर्ड सीपीयू भी है। ओके तो यहाँ पे और कुछ क्या है? ओके तो ये देखो यहाँ पे हमारी पूरी गेमिंग टेबल भी है। ओके तो फिलहाल हम लोग इतनी चीज़ें सेट करते हैं यहाँ पे, आई थिंक इतनी सारी चीज़ें बहुत होंगी अभी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गेमिंग टेबल लगाने वाले हैं एक। और ये देखो गाइस यहाँ पे जिन्होंने ये मोड बनाया है उनका चैनल भी ओपन हो रखा है
और बीच वाले पीसी में हमारी माइनक्राफ्ट ओपन हुई हुई है। ओके, तो यहाँ पे एक और टेबल रख देते हैं एंड ये थोड़ा कंबाइंड लग रहा है, पांच मतलब एलसीडी यहाँ पे लग चुकी है, तो ये देखने में मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं गाइस सोफा। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का है बट मेरे को एक और कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक सोफा और लगाता हूँ। ओके, तो व्हाइट कलर का है, इट्स ओके। तो व्हाइट कलर का थोड़ा सा देखने में अच्छा ही लग रहा है। और ये फर्नीचर से मैं भी आप लोगों ने पहले माइनक्राफ्ट में नहीं देखे होंगे। सो बाकी जो भी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में दिखाई दे रही है सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एलसीडी लगाई बट ये बाय मिस्टेक गलत लग गई है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको तोड़ देंगे, नो इश्यूज़। एंड मैं यहाँ पे एक मतलब कॉर्नर में ना छोटा सा एक लैपटॉप रख दूंगा, बस हो जाएगा फिर अपना काम पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ देता हूँ क्योंकि एलसीडी हमारे पास ऑलरेडी 5 LCD हो चुकी हैं। ओके, तो हमको एलसीडी की तो ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग साइड में कॉर्नर के ऊपर एक लैपटॉप तो हम लोग रख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पीछे की तरफ लगा देते हैं एक छोटा सा हैंगर जिसके ऊपर मतलब ये हम लोग ये चीज़ें रख सकें, जहाँ पे हमारा एक क्यूब रखा हुआ है और बाकी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे दो हम लोगों ने ये लगा दिए हैं। अब बारी आती है गाइस हमारी मतलब और चीज़ें देखते हैं, कोई अच्छी सी और भी चीज़ें मिल जाए तो। और यहाँ से फटाफट एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, कोई और मस्त सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी तो हम लोग यहाँ पे पक्का से लगा देंगे हमारे रूम के अंदर। और यहाँ पे हमको एक गेमिंग चेयर चाहिए गाइस। ओके, तो गेमिंग चेयर तो मैं भूल ही गया था, गेमिंग चेयर हम लोग ले लेते हैं। और तो क्या ही है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, छोटी सी एक टेबल भी है वो रह गई, वो मैं देखूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे एक गेमिंग चेयर भी रख दिया है, बहुत ही मस्त लग रही है देखने में। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा गेमिंग रूम है वो कंप्लीट हो चुका है, बेड रह गए हैं, बेड हमारा बाहर रखा हुआ है इसलिए। ओके, तो कोई बात नहीं, बेड को भी हम लोग बाद में अंदर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक टेबल में देखता हूँ मैं छोटी सी, जिस टेबल के ऊपर हम लोग हमारा लैपटॉप या फिर कुछ और कुछ हम लोग अच्छी चीज़ जो है वो रख सके। तो यहाँ पे CCTV हम लोग लगा सकते हैं बट सिक्योरिटी पर्पज के लिए बाद में हम लोग देखेंगे। तो लैपटॉप हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेबल है उसको तो मैं नहीं लूँगा, यहाँ पे छोटा सा एक स्टूल ले लेता हूँ मैं, मतलब स्टूल के ऊपर हम लोग जो है हमारा लैपटॉप वगैरह जो भी है वो रख लेते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिख रहा है मेरे को, तो इस टेबल को हम लोग ले लेते हैं और इस टेबल को इधर रख के और इसके ऊपर लैपटॉप रखने की ट्राई करते हैं। बट नहीं रखा जा रहा, तो हम लोग लैपटॉप को इधर नीचे ही रख लेते हैं, नीचे भी मतलब काफ़ी ठीक ही लग रहा है देखने में। ओके, तो हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे हमारा गेमिंग रूम जो है जो पूरा बन के तैयार हो चुका है, और ऊपर आप लोग देखते हो मैंने एक पंपकिन भी लगा रखा है। और ये एंडरमैन कहाँ से आ गया यहाँ पे, एकदम किधर से भी आ जाता है, आई थिंक एंडरमैन को बाथरूम पसंद आ गया, वो घुस गया उसके अंदर। ओके, तो ये सही है यार, बहुत ओके। तो यहाँ पे अब बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे अब वॉल्स लगानी बाकी हैं, और वॉल्स के बाद यहाँ पे बस अपना जो डोर रहता है वो डोर लगाना बाकी है, और ऑलमोस्ट मतलब बस उसके बाद जो है वो हमारा काम खत्म हो ही जाएगा, सब कुछ हमारा बाकी तो बनके तैयार हो ही चुका है। तो यहाँ पे मैं इधर कॉटेज की जो ब्लॉक से थोड़े बहुत वो ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को इधर वॉल्स लगानी है, और बस वॉल्स के बाद यहाँ पे हमारी डोर का काम रह जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोग को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मोड आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को भी ये मोड प्ले करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे इस मोड का नेम आप लोग को मालूम चल जाएगा, और आप लोग इसको इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और इजीली आप लोग इसको प्ले कर सकते हो। बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो आप लोग को दिखाई नहीं इस मोड के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है उसकी वजह से। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, अपना डाउनलोड करो, प्ले करो, और ऑफकोर्स मोबाइल में खेल रहा हूँ मैं तो आप लोग भी मोबाइल में खेल सकते हो। सो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।